किनारे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो भाई रिसेंटली चैनल पर आपने महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का एक खतरनाक एक्सीडेंट देखा होगा, जिसमें एसयूवी ने अपनी 5 स्टार वाली बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी दिखाते हुए ड्राइवर को खरोंच तक नहीं आने दिया था। हालांकि स्कॉर्पियो एन के पहले महिंद्रा ने अपने एक और बड़े एसयूवी को ऐसी ही मजबूती दी हुई है, मैं बात कर रहा हूं XUV700 की। क्रैश टेस्ट में बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद ये एसयूवी कुछ महीनों तक इंडिया की सेफेस्ट कार बनी रही, लेकिन फिलहाल ये पोजीशन टाइगून कुशाक के पास है। हालांकि जब इस एसयूवी को लॉन्च किया गया और महिंद्रा ने बताया कि इसका टेलगेट जो है वो प्लास्टिक का है, तो काफी लोगों के मन में यह सवाल था कि भाई ये प्लास्टिक का डोर तो इंडियन रोड्स पर रोज ही टूटेगा, ट्रैफिक जाम में कोई थोड़ा सा भी टच किया तो गया ये काम से। लेकिन इस गाड़ी का क्रैश टेस्ट रिजल्ट और क्रेटा के साथ वाला एक्सीडेंट देखकर उन्हें समझ में आ गया था कि इसमें कितना दम है, और ये चीज आपको आज के इस एक्सीडेंट में भी दिख जाएगा, जिसे दिल्ली से XUV700 के ओनर मिस्टर वैभव जी ने शेयर किया है। अगर आपके पास भी किसी एक्सीडेंट का फोटो या वीडियो है तो प्लीज सारी डिटेल्स के साथ मेरे ईमेल, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज पर शेयर करें। यह एक्सीडेंट एक्सयूवी और DTC बस के बीच दिल्ली में किसी जगह पर हुआ है, जिसका पहले आप यह डैश कैम फुटेज देखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो रोड से एक में मर्ज हो रही हैं, और जहाँ लेन चेंज करना है वहाँ एक्सयूवी वाले भाई अपने गाड़ी को स्लो करते हैं। हालांकि तभी उसी के पीछे से आ रही DTC बस का ड्राइवर शायद सामने ध्यान नहीं दे पाता है या क्या होता है, यह सीधा आकर एसयूवी को बैक साइड से हिट कर देता है। बस की रफ्तार ठीक ठाक रहती है, इसीलिए यह टक्कर भी जबरदस्त होता है, जिस वजह से गाड़ी कुछ दूर तक आगे की तरफ चली जाती है। हालांकि जिस हिसाब से यह एक्सीडेंट हुआ है उस हिसाब से एक्सयूवी में डैमेज नहीं आया। आप क्लियरली देख सकते हैं इसका टेल लाइट टूटा है, बम्पर थोड़ा खिसक गया है और प्लास्टिक टेल गेट में माइनर स्क्रैचेस आए हैं। इसके अलावा कोई और नुकसान नहीं दिख रहा पूरे गाड़ी में। दूसरी तरफ बस का विंडशील्ड टूट गया और राइट कॉर्नर में कुछ हद तक डैमेज आ गया, और ये डैमेज कहीं ना कहीं एक्सयूवी से ज्यादा ही लग रहे हैं। तो भाई आप देख सकते हैं किस तरह से और कितना बेहतरीन परफॉर्म किया है एसयूवी ने यहाँ पर। ऐसे ही नहीं 5 स्टार मिल गए हैं इसको, 5 स्टार लायक कंपनी ने बनाया भी है। इसके अलावा इसमें गलती पूरी बस वाले की थी। ज्यादातर चांसेस यही है कि ड्राइवर को अंदाजा नहीं लग पाया है कि गाड़ी कब स्लो हुई। आपको क्या लगता है इसका रीजन क्या रहा होगा, कॉमेंट में बताइए।